हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एक राजवीर क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए फिर शुरू करते हैं क्लास को तो प्लीज जल्दी से आप बता दीजिए एक बार कंफर्म करके ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है चलिए वैसे क्लियर होगी तो आज की क्लास में मैंने देखिए टॉपिक तो लिया है वही जो आप कई बार पढ़े हो विलियम शेक्सपियर है ना गाइज आप इस वीडियो को आप डेमो कंसीडर कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी ग्रेड जेएसएससी पीजीटी और मींस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम और एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम एनी अदर एग्जाम गाइज कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो एसोसिएटेड विद लिटरेचर तो आप इसे डेमो कंसीडर कर सकते हैं लेकिन डेमो से के साथ साथ आप ये समझिए कि आज आगे आगे आपको काफी कुछ मैं नए पॉइंट्स देने वाला हूं रिगार्डिंग विलियम शेक्सपियर वैसे बहुत कुछ आप जानते हैं लेकिन बहुत कुछ जो नहीं जानते वो आपकी इंफॉर्मेशन में मैं एड करने वाला हूं ठीक है चलिए गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हीरो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यस सर आप कुछ नया टॉपिक पढ़ाया करो ना बात तो सही है कि नया टॉपिक पढ़ाया जाए लेकिन नए टॉपिक से ज्यादा पुराने ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड है ना ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड आप जानते हो बिना ओल्ड और गोल्ड के काम कहां चलता है, है ना तो चलिए अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी करते हैं गाइज तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर आपकी स्क्रीन में है दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा पता है प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए मेरे कहने से ये मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है निवेदन यह है कि आप प्लीज एक बार यह चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक किया है personal, uh, personalized पर या नन पर किस पर क्लिक किया हुआ है तो प्लीज आप ऑल पर ये ये मार्क कीजिए प्लीज है ना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जाता और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जाता तो प्लीज ऑल जरूर किया करें तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा वरना नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगा आप जानते हो ना एक बार मैं शेयर कर दूं आप भी शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर तो बस समझ लीजिए कि हो जाएगा काम यस तो चलिए हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर तो देखिए वैसे एक बात तो यह जरूर है कि आप विलियम शेक्सपियर के बारे में जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आप जानते हो है ना छोटी मोटी इंफॉर्मेशन की अगर बात करें आपसे कोई तो आप यही कहोगे कि हम छोटी मोटी इंफॉर्मेशन सारा कुछ जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है इज मेरा बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आप विलियम शेक्सपियर के बारे में ये हमेशा जानते हो दैट ही वॉज वन ऑफ वेल नोन राइटर गाइज है ना यस yes. एक चीज यहां पर देखिए ये पूरा नाम विलियम शेक्सपियर ये तो बहुत ही क्लियर है कि विलियम शेक्सपियर इनका पूरा नाम था है ना और पेरेंट्स का नेम जो है वो आप जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन या मैरी शेक्सपियर है ना इनको मैरी अर्डेन या नी अर्डेन के नाम से कई बार जाना जाता है बिलोंगिंग मतलब ये समझ सकते हैं आपकी एक ऐसी क्लास से एक ऐसी फैमिली से जिसमें फार्मिंग होती थी है ना यस जिसमें फार्मिंग होती थी मतलब फैमिली में वैसे फार्मिंग करते थे लेकिन इनके जो फादर थे वो ग्लब्स मेकर थे सो ग्लब्स बनाया करते थे और फैमिली मेंबर्स इनके पास काफी सारे थे ऐसी बात तो बिल्कुल डेड श्योर है ठीक है यस वैसे अगर बातचीत करी जाए कि इनकी बर्थ की जो डेट है कि वो कौन सी है वो एग्जैक्टली exactly कोई नहीं जानता उसके बारे में एग्जैक्टली exactly जो बर्थ डेट है उसके बारे में कोई नहीं जानता लेकिन बैप्टाइजेशन वाली डेट जरूर पता है सबको ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल महीना गाइज आपका अप्रैल का ही चल रहा है तो मुझे लगा विलियम शेक्सपियर एक बार याद दिला दिए जाए है ना ये ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया जाता था और वो क्या होता है बैप्टाइज एक्चुअली गाइज बैप्टाइजेशन जो है एक प्रोसेस है है ना जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है जैसे हमारे यहाँ नामकरण एनऑल होता है तो आप उसी तरह से कंसीडर कर सकते हैं लेकिन बात मैं आपको बताऊं ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ जो है वो 23rd थर्ड ऑफ अप्रैल को हुआ था है ना ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ट्वेंटी ऑफ अप्रैल क्योंकि जो बैप्टाइज किया जाता है ना तो वो थ्री डेज का टाइम पीरियड लग जाता है तो इसीलिए ट्वेंटी सिक्स अप्रैल आपको देखने को मिलता है एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं आपको ये जान करके हैरानी होगी थोड़ा सा एक्चुअली में ये जो ट्वेंटी थ्री है और ये जो अप्रैल का पार्ट आपको नजर आ रहा है क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं जिस टाइम पीरियड में विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था तो उस समय जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा ये नया पॉइंट है मे भी आपने पढ़ा हो मे भी आपको किसी ने पढ़ाया हो लेकिन ये सबसे नया पॉइंट है ठीक है जूलियन कैलेंडर उस टाइम पीरियड में फॉलो किया जाता था ठीक है जूलियन कैलेंडर तो क्योंकि जूलियन जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये बात आती है कि ट्वेंटी थर्ड को इनका बर्थ हुआ और बैप्टाइज जो है ट्वेंटी सिक्स को किया गया इनको लेकिन अगर हम दूसरे कैलेंडर की तरफ देखें जॉर्जियन कैलेंडर की तरफ देखें, ये जुलियन कैलेंडर की डेट है प्लीज आप याद रखिएगा अगर हम इसी को इसी पर्टिकुलर को जॉर्जियन कैलेंडर की तरफ देखें तो जॉर्जियन कैलेंडर की तरफ देखने पर गाइस हमें डेट अलग मिलती है आप लोग हैरान मत होइएगा ठीक है हाँ और ये भी मत कहिएगा कि अरे सर क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको अगर आप जी ई -E ओ आर जी आई ओ एन जॉर्जियन कैलेंडर की अगर आप बातचीत करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ का टाइम पीरियड पता है कब आता है जानकर के हैरान हो जाएंगे आप वो आता है गाइस की मे में, में फिफ्थ ऑफ मे हाँ कह सकते हैं आप इतना बड़ा डिफरेंस है सर कैसे हो सकता है तो ये कैलेंडर का डिफरेंस है मेरा डिफरेंस नहीं है है ना एक बहुत ही अच्छी बुक में मैंने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं मैं ठीक है लेकिन आप लोग कहेंगे कि अरे गुरु जी ये तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया मे में कैसे हो सकता है तो मैंने आपको बताया ना कि उस टाइम पीरियड में जुलियन कैलेंडर इंग्लैंड में माना जाता था जिसे होता ना कैलेंडर होते हैं अलग अलग कैलेंडर होते हैं जैसे हिंदू कैलेंडर हिंदू पंचांग अलग होता है ना तो आप देखते हैं ईयर अलग नजर आता है तो इसी तरह से डिफरेंट कैलेंडर एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं एड करूं आपको आपको जान करके हैरानी होगी है ना और ये जान करके हैरानी इसलिए होने वाली है क्योंकि आपको मजा भी आएगा अच्छा बात है ये 2012 की मैं था बीए में अपने 2012 की बात है और मैं अपने बी में था है ना तो आपने सुना होगा कि 2012 में इस पूरी दुनिया का विनाश होने वाला था सुना था आपने

ये दोस्तों माया सभ्यता से लिया गया था जो माया सभ्यता माया सिविलाइजेशन का कैलेंडर था तो उस कैलेंडर में 2012 के आगे कोई और कुछ लिखा ही नहीं था दैट्स व लोगों को लगा कि अरे भाई शायद पूरी दुनिया खत्म होने वाली है है ना तो ये कुछ कैलेंडर्स का फर्क भी होता है ठीक है तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि जो डेट हम विलियम शेक्सपियर के बर्थ या फिर बैप्टाइजेशन की मानते हैं वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मानते हैं लेकिन अगर जॉर्जियन कैलेंडर की माने तो डेट अलग हो जाती है ये फिफ्थ ऑफ मे हो जाती है ठीक है सही है गड़बड़ है बिल्कुल ये बात याद रखिएगा और ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल मानने के पीछे पता है रीजन क्या है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल मानने के पीछे भी कई इंटरेस्टिंग रीजन इसलिए कई इंटरेस्टिंग रीजन है क्योंकि देखिए ये तो कोई जानता नहीं कि एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ विलियम शेक्सपियर की क्या थी तो ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल इसलिए माना जाता है इसके पीछे रीजन है क्या क्या रीजन है तो एक पहले रीजन की बातचीत हम लोग कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट वन रीजन इज ऐसा कहते हैं कि जो सेंट जॉर्ज थे बेसिकली सेंट जॉर्ज सेंट जॉर्ज का नाम सुना है अरे आपने सुना है भाई आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुना होगा सेंट जॉर्ज जी ई ओ आर जी ई सेंट जॉर्ज वैसे इनको पैटर्न माना जाता है इंग्लैंड का क्या माना जाता है पैटर्न इंग्लैंड का माना जाता है सेंट जॉर्ज को तो बात यह आती कि यार जब पैटर्न माना जाता है तो इसके पीछे क्या रीजन है एक्चुअली गाइज सेंट जॉर्ज का फीस्ट इसी दिन मनाया जाता है मतलब ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल को जो है ये सेंट जॉर्ज जो पैटर्न थे तो इनका मनाया जाता है फीस्ट इसी दिन यानी ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल को एवरी सिंगल ईयर तो इसीलिए विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ को ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल रखना ज्यादा एप्रोप्रिएट भी माना गया अब आप कहेंगे सर इतनी सारी जानकारी कहां से लेकर अब एक इंटरेस्टिंग बात और भी मैं यहां पर बता दूं सेंट जॉर्ज के बारे में आप वहां पर पढ़ते हैं जब आप पढ़ते हैं मिस्ट्री मिराकल और मोरालिटी प्ले है ना मिस्ट्री मिराकल और मोरालिटी प्ले है ना यस yes. जब आप मिस्ट्री मिराकल और मोरालिटी प्ले पढ़ते हो ना उस समय आपको पता चलता है बेसिकली कि सेंट जॉर्ज कौन थे क्योंकि सेंट जॉर्ज के बारे में एक प्ले लिखा गया है बेसिकली जिसका नाम है सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन क्योंकि सेंट जॉर्ज ने कहते हैं ड्रैगन को मारा था स्ले किया था है ना? यस yes. और अगर आप कभी इंग्लैंड जाओगे ना तो सेंट जॉर्ज की बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी एक ड्रैगन होगा सेंट जॉर्ज ऐसे बिल्कुल तलवार भाला लिए होंगे ऐसे और ड्रैगन को मार रहे होंगे वो मूर्ति आपको मिल जाएगी इवन इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगी ठीक है अच्छा एक और रीजन है गाइज है ना यस yes. क्योंकि गाइज जो जॉर्जियन कैलेंडर की अगर माने जॉर्जियन कैलेंडर की क्योंकि देखिए मैंने बताया जॉर्जियन कैलेंडर और कौन सा गाइज जॉर्जियन कैलेंडर के साथ साथ मैंने दूसरा कैलेंडर भी बताया था जूलियन कैलेंडर तो जॉर्जियन कैलेंडर की अगर बात माने तो ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को एक बहुत ही फेमस आपके राइटर हुआ करते थे क्या नाम था उन फेमस राइटर का नाम था मीगल डी सर्वेंटिस डॉन की नाम वर्क सुना है एक वर्क का नाम है डॉन की जिसको लिखने वाले थे नीगल डी सर्वेंटिस तो गई ट्वेंटी ऑफ अप्रैल को उनकी भी डेथ मानी जाती है किसके अकॉर्डिंग जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसीलिए इस टाइम पीरियड को बहुत ही ज्यादा ज्यादा माना गया खैर मैंने समय ले लिया माफी चाहूंगा लेकिन आपको ये पूरा क्लियर कर दिया मैंने है ना यस yes. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात दूसरी आती है यहां पर कि ये कई बार तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहा हूं एक वीडियो में मैंने भी बोला है लेकिन आज यहां पर थोड़ा क्लियर हो जाए ये जब होम टाउन की बात करते हैं ना विलियम शेक्सपियर की तो स्ट्रैट फोर्ड अपॉन एवन वार्विक शायर इंग्लैंड है ना ये पूरा का पूरा जो है बेसिकली आ, एड्रेस है जिसे कह सकते है ना यस yes. जिसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये एड्रेस है या मतलब कहें कि वो प्लेस का जहां पर विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ है ना तो स्ट्रैट अपॉन एवन की जब बातचीत करते हैं वार्विक शायर इंग्लैंड तो एक बात हमारे माइंड में आती जर या है अपॉन क्यू है ऑन एवन और अपॉन एवन क्यू है तो इसके पीछे देखिए एक दो रीजन है सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इधर साइड आप देख रहे हो ना ये एवन, है ना? एवन. तो बेसिकली ये तो देखिए प्लेस का नाम है और ये तो है आपका प्रीपोजिशन जैसे लगा करता है और ये है आपका एवन यानी रिवर है, है ना? यस। अब भाई साहब जब, जब रिवर है तो सब ए, एक बात बड़ी क्लियर होती है कि ज्यादातर रिवर के साइड में ही विलेजेस एंड होते हैं वैसे अगर देखा जाए पूरी सभ्यता में पूरी की पूरी आप हिस्ट्री एक्सप्लोर कीजिए वन थिंग कॉमन यू यू विल विल फाइंड फाइंड मोस्ट ऑफ द द सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड सिचुएटेड होंगी वो रिवर के किनारे ही होंगी है ना लाइक like प्रयागराज जहां से मैं पढ़ा रहा हूं संगम के किनारे से ही आपको पढ़ा रहा हूं है ना प्रयागराज संगम के किनारे से ही पढ़ा रहा हूं संगम आइएगा तो मुलाकात जरूर कीजिएगा ठीक है हुँ. बनारस देखिए बड़ी बड़ा शहर है कानपुर और न्यू दिल्ली एनी अदर सिटी जो बड़ी शहर बड़ा भी बड़ा जो शहर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी रिवर के किनारे होगा अच्छा क्यों होते थे इसके पीछे एक और रीजन रहता था वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती थी वो वहीं से होती थी आजकल हम लोगों ने को इतना ज्यादा नदियों को इतना खराब कर दिया है ओफ डू नॉट आस्क इतना ज्यादा हम लोगों ने खराब कर दिया है मत पूछिए लेकिन तो एक समय होता था कि लोग वहीं से पानी पी लिया करते थे बात आती है गा, गाइस इधर ये एन हैथवे हैथवे एन वैसे ये इनकी आ, बेचारी वाइफ मैं कहूंगा है ना एन हैथवे की बातचीत करें अगर तो इनकी बेचारी वाइफ कही जाएंगी इसलिए बेचारी वाइफ कहेंगे क्योंकि गाइस एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि इन्हें कभी इन्होंने उतनी इज्जत नहीं थी जितनी इज्जत देनी चाहिए थी बाजीराव मस्तानी में एक डायलॉग है तो जब वो प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण है तो आपने एक चीज देखा होगा कि वो प्रियंका चोपड़ा कहती है ना कि हमने आपके साथ रास जो नहीं रचाया शायद कुछ ऐसी ही बात थी आप एक चीज बहुत अच्छे से समझते हो ये बात कि एन हैथवे को विलियम शेक्सपियर ने लिखा तो बहुत कुछ लिखा बहुत कुछ 37 सेवन प्लेज वन हंड्रेड फिफ्टी फोर एंड फ्यू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स बट स्टिल

अच्छा एक बात यही नहीं समझ में आती लोग वाइफ को इतना ज्यादा एलियन क्यों बना देते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई जब भाई आपकी लाइफ के साथ कोई जुड़ा है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी बाकी बच्चों की बात करें सुसाना हेमनेत एंड जुडित ये आपको देखने को मिल जाते हैं है ना सुसाना हेमनेत एंड जुडित अच्छा ये जुडित जो नाम है जुडित नाम से एक चीज और याद रख लीजिएगा प्लीज बहुत ही बढ़िया से याद रखेंगे प्लीज अगर आप इसे याद रख लोगे ना तो इंटरेस्टिंग रहेगा विलियम शेक्सपियर की एक इमेजिनरी सिस्टर क्रिएट किया था किसने क्रिएट किया था नाम याद रखिएगा उनका नाम है क्या नाम है वर्जीनिया ना वर्जीनिया वुल्फ ने एक इमेजिनरी सिस्टर क्रिएट किया था विलियम शेक्सपियर की नाम दे दिया था जुडित शेक्सपियर प्लीज याद रखिएगा जुडित शेक्सपियर और कहां पर एक वर्क लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने नाम था रूम ऑफ वनसॉन है ना रूम ऑफ वंस ऑन तो ये बेसिकली ए, ए, वर्क का नाम था जिसमें इन्होंने इमेजिनरी सिस्टर बनाया था ठीक है येस. समझ गए बिल्कुल इमेजिनरी सिस्टर बनाया था तो ये तो देखिए इंफॉर्मेशन है इनकी लाइफ से रिलेटेड अब बातचीत आती है आगे की देखिए वैसे अगर देखा जाए तो शेक्सपियर के बारे में कोई खास आपको ये तो नहीं पता चलता कि इन्होंने पढ़ा क्या था है ना यस इनका पढ़ने उड़ने के लिए अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं पता चलता कि इन्होंने क्या पढ़ा था बस कहा जाता कि लोकल ग्रामर स्कूल में इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और जो भी पढ़ा था गाइज इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने कहते हैं वो ट्रांसलेशन पैटर्न था एट दैट टाइम पीरियड देखिए एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो चासर के बाद हुई लेकिन चासर भी उतना ज्यादा रोल नहीं दे पाए इंग्लिश लैंग्वेज को देन हु इज दैट जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत काम किया शेक्सपियर है शेक्सपियर की राइटिंग से इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही ज्यादा आगे गई तो लोकल एक ग्रामर स्कूल में पढ़ा था इंग्लैंड में देखिए ऐसी सिचुएशन थी कि इंग्लैंड में वहां की खुद की लैंग्वेजेस की कोई वैल्यू नहीं थी लैटिन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अभी आपके एग्जाम में यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और आप इसका आंसर जब जानोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखिए जान लीजिए मुझसे आंसर क्वेश्चन आया था गईस की जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है एक होता है टीचिंग मैथड ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड जिसके थ्रू हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं फिर समझते हैं वही मैथड आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है ना ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड किस लिए डेवलप किया गया था आंसर आता है क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए टू टीच क्लासिकल लैंग्वेज सी एल ए डबल एस आई सी एल क्लासिकल लैंग्वेज अब ये यूजीसी नेट में आपके क्वेश्चन भी आ गया था ये जो जीटीएम है तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड में खुद ही दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाता था अगर शॉर्टकट कहूं तो इंग्लिश लैंग्वेज की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी तो फिर कैसे इंपॉर्टेंस आ गई विलियम शेक्सपियर की राइटिंग से और इसके पहले अगर आप देखें तो चासर की राइटिंग से जोफ्री चासर की राइटिंग से भी काफी कुछ आया और बाद में अगर आप देखें तो विलियम शेक्सपियर की राइटिंग से बहुत कुछ आया अच्छा अगर उस टाइम पीरियड क्योंकि आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द क्राउन ऑफ इंग्लिश प्ले हम लोग क्या बोलते हैं इनको क्राउन बोलते हैं इंग्लिश प्ले का बोलते हैं ना तो अगर हम क्राउन ऑफ इंग्लिश प्ले बोलते हैं तो एक दो बातें अच्छे से आप जान लीजिए है ना जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी और इंटरेस्टिंग रहेंगी इंग्लैंड में देखिए इसके पहले विलियम शेक्सपियर से पहले यानी जो विलियम शेक्सपियर का टाइम पीरियड है पिछली वाली क्लास जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की थी सो मैंने आपको पढ़ाया था एलिजाबेथन टाइम पीरियड यही वाला टाइम पीरियड था ना एलिजाबेथन टाइम पीरियड और इसी टाइम पीरियड में आपने देखा था था कि development हुआ था किसका Thiaters इसी ही ये ही थिएटर हुआ करता था और कोई थिएटर नहीं था दिस इज नोन एज द वेरी फर्स्ट थिएटर जो इंग्लैंड में बना था है ना और क्योंकि आप एक बात और भी इस, इस बात के साथ और भी एक जोड़ लीजिएगा ये जो दी थिएटर था ना मतलब ऐसा कहिए कि यहां पर जो जिस कंपनी के साथ विलियम शेक्सपियर एसोसिएटेड क्या नाम था उस कंपनी का ड्रामा कंपनी लॉर्ड चैम्बलेंस मैन लॉर्ड चैंबलेंस मैन तो वो इसी वे बेसिकली थिएटर में वो परफॉर्म करती थी और क्योंकि विलियम शेक्सपियर कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे उन पर एक इल्जाम लगा था ना वो डियर पॉचिंग वाला डियर पोचिंग का इल्जाम लगा था और यही इसी वजह से विलियम शेक्सपियर हो गए गायब एंड लेटर ऑन विलियम शेक्सपियर को कहां पा आ गया था लॉर्ड कंपनी थी गई लॉर्ड चैंबरलेंस मैन जिसे लॉर्ड स्ट्रेंस मैन के नाम से भी जाना जाता है ठीक yes, है यस लॉर्ड चैंबरल मैन है ना यस तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं लॉर्ड Lord... चैंबलेंस मैन है ना इसी को स्ट्रेंज इस मैन के नाम से जाना जाता था स्ट्रेंज मैं नाम से भी इसे जाना गया था काफी पॉपुलरली गई है ना तो ये बेसिकली ड्रामा कंपनी थी एक ग्रुप था इसके पहले की अगर मैं थोड़ा सा ड्रामाज की दशा पर बात करूं ना तो आपको सच में लगेगा कि यार क्या दशा थी ड्रामाज की अच्छा इसके पहले देखिए जो ड्रामाज की कंडीशन थी जो सिचुएशन थी उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं बहुत ज्यादा तो नहीं करूंगा लिमिट की बातचीत करूंगा लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि यार ऐसी सिचुएशन थी अच्छा देखिए जो अर्ली सिक्सटींथ सेंचुरी से पहले अगर आप जाए तो वॉट यू विल फाइंड यू विल फाइंड की जो ड्रामा कंपनी होती थी वो कैसी थी ट्रेवलिंग ड्रामा कंपनीज ट्रैवलिंग ड्रामा कंपनीज थी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर करके लोग जाते थे और वहीं पर नाटक दिखाते रहते थे इन शॉर्ट अगर बोले तो इंडिया में नौटंकी जैसे होती पहले होती थी नौटंकी अब आप आज के समय में तो बड़ी कम नौटंकी होती है ये नो जब बचपन में थे हम लोग तो हम लोग अपने घर से चुपके से भागने की कोशिश करते थे फिर माता पिताजी का भाग के गए ना तो बताएंगे तुमको है ना तो वो वाली सिचुएशन होती थी ये कुछ ऐसा ही था लेटर ऑन क्या हुआ गाइज कुछ एक्टिंग ट्रूप्स बन गए थे फिर परमानेंट थिएटर बने मतलब परमानेंट थिएटर जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि एक टाकीज है कहीं पर है ना लाइक पी वी आर सिनेमाज, और एनी अदर सिनेमाज कुछ इस तरह की चीजें आपको अब नजर आती है तो ये जो थिएटर्स थे फिर आपके सिक्सटीन से सेवनटींथ सेंचुरी के टाइम पीरियड में खूब अच्छे से डेवलप हुए द वेरी फर्स्ट वन थिएटर ये आपका पहला थिएटर था और शायद इसीलिए आज भी आप देखते हैं ना शायद इसीलिए आज भी थिएटर ये जरूर जुड़ा रहता है ना कौन सा थिएटर पीवीआर थिएटर एसआरएस थिएटर एस आर एस एक्स वाई जेड है ना कोई भी थिएटर होगा उसके पीछे ये लगा रहता क्योंकि पहला थिएटर ही यही था वेरी फर्स्ट वन थिएटर यही वाला था इसके साथ गाइज देखिए बहुत कुछ चीजें अब चेंजेस हुई क्योंकि अब विलियम शेक्सपियर ने जब थोड़े दिनों के लिए गायब रहे विलियम शेक्सपियर है ना यस yes. तो जब विलियम शेक्सपियर कुछ दिन तक गायब रहे ना तो गायब रहने पर कुछ चीजें गाइज और हो गई इंटरेस्टिंग वाली आइए मैं आपको बता देता हूं कौन सी इंटरेस्टिंग वाली चीजें हुई विलियम शेक्सपियर जब गायब हुए तो गाइज ये टाइम पीरियड था कहते हैं कि एटीज का टाइम पीरियड था अब वो कौन सा टाइम पीरियड था एक्सैक्टली exactly नहीं पता है ना 1580's का टाइम पीरियड था विलियम शेक्सपियर गायब गायब हो गए अब होने के बाद बड़े दिनों बाद नजर आए गाइज 1592 के अप्रॉक्सिमेटली नजर आते हैं और इसी साल में एक भाई साहब थे बड़े खतरनाक थे देखिए जब आप ज्यादा पॉपुलर होने लगते लोग जलने लगते और जलने को छोड़िए धुआं निकलने लगता है, है ना जलना छोड़ दीजिए धुआं निकलने लगता है बहुत सारे लोग इतना जलेंगे कुछ पूछिए अरे वो अरे ये है ना तमाम सारे कमेंट्स खैर मैं किसी को कोई कमेंट नहीं देना चाहता आपको तो मैं दे सकता हूं आपकी तो मैं धुलाई बिना सरफेक्सल इजी है ना कुछ भी बिना डाले मैं आपकी धुलाई कर लेता हूँ आपकी धुलाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं जाती कभी आज तक आप बुरा भी तो नहीं मानते ना 1592 के टाइम पीरियड में एक महाशय थे जिनको बड़ा बुरा लगा था कि विलियम शेक्सपियर एक अनपढ़ आदमी कैसे फेमस हो गया है ना रॉबर्ट ग्रीन भाई साहब क्या नाम था उनका वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट और इनका नाम था रॉबर्ट ग्रीन रॉबर्ट ग्रीन को इनको बड़ी दिक्कत थी इनको बड़ी दिक्कत थी कि एक पगलेट क्यों फेमस हो रहा है दैट्स जो क्रिटिसिज्म आया और इसी ने महान बना दिया विलियम शेक्सपियर को है ना ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट ये इन्होंने एक वर्क लिखा था और क्या कहा था अपस्टर्ट क्रो अपर्ट क्रो सीधे डायरेक्टली बोलने के अगर इनका वश चलता तो सीधे ब्लैक क्रो बोलते बोलते काला कौवा है है ना यस तो इस तरह की चीजें हमें दोस्तों नजर आती हैं फिर इनके साथ रॉबर्ट ग्रीन के साथ आगे की बातचीत अगर मैं करूं तो विलियम शेक्सपियर ने देखिए जब ये अटैक वगैरह हुआ थोड़ी सी दिक्कत क्या हो गई थी कि थोड़ा सा प्लेग आ गया इंग्लैंड में जो है आया प्लेग क्योंकि इंग्लैंड में जब प्लेग आ गया तो उस टाइम पीरियड में शेक्सपियर ने चीजें अपनी बदल दी क्या चीजें बदली विलियम शेक्सपियर समझदार बड़े थे ऑन दोज प्लेग इयर्स इन्होंने फिर काफी कुछ कंपोज किया और काफी कुछ कंपोज करने में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली वन हंड्रेड तो लिखी ही लिखी है 154 वंडरफुल सोनेट्स इन्होंने लिखी और साथ में 37 सेवन अभी तक हमारे जैसे लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिली लोग सर्च कर रहे हैं कि यार विलियम शेक्सपियर ने और कौन सा प्ले लिखा था अच्छा एक चीज आश्चर्य की बात है देखिए आपने विलियम शेक्सपियर तो बहुत पढ़ा है है ना आपने कभी नहीं पाया होगा कि विलियम शेक्सपियर किसी कंट्री में घूमने गए है ना आपको यह भी थोड़ा लाइक कर दीजिएगा प्लीज वीडियो का प्लीज 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 एक बार लाइक कर दीजिएगा तो 37 प्लेज लिखे हैं 154 हंड्रेड सोनेट्स लिखी हैं और कौन सी कंट्री के बारे में नहीं लिखा हॉल इंसेंड क्रॉनिकल को पढ़ा इन्होंने है ना तमाम सारी सेक्सोग्रामेटिक्स को इन्होंने पढ़ लिया एक चीज बड़ी संदेहास्पद लगती है विलियम शेक्सपियर और यह भी देखिए नहीं पता चलता कि यार कभी किसी कंट्री के टूर पर गए थे जैसे आप वर्ड को देखो कॉलेज को देखो यू विल फाइंड समथिंग कि वो इस कंट्री के लिए गए थे उस कंट्री में घूमने गए थे लेकिन जो है ये पता ही नहीं चलता विलियम शेक्सपियर कब घूमने चले गए कहीं पर बस यही पता चलता है वहां रहते थे शादी कर लिया शादी करने के बाद डायरेक्टली डियर पोचिंग का मामला आया डियर पोचिंग के मामले के बाद डायरेक्टली चले गए लंडन

न सी इवन इंडिया के बारे में भी लिख दिया है तो जब यार इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था तो ज्ञान कहां से मिल गया This is really, guys, miracle. ये ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई एक बात तो है ये मिराकल जरूर लगता है है ना ये मिराकल जरूर लगता है क्योंकि कुछ टाइम पीरियड तक जब नजर नहीं आ रहे हैं ये जिनको बार्ड ऑफ आप, आप बोलते हैं जिनको बार्ड ऑफ एवन तो ये बेसिकली बड़ा मिस्टीरियस है लेकिन यस ही रोट ऑल अबाउट डिफरेंट कंट्रीज विद डिटेल आप पढ़िए इनके प्लेस यू विल फाइंड कि यस yes, बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिटेल दिया हुआ है देखिए जैसे जो प्लेग इयर्स था प्लेग इस का जो टाइम पीरियड था तो ये 1592 के बाद का टाइम पीरियड जो आया तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा इन्हें गायब होना पड़ा अब क्योंकि देखिए प्लेग था सो ड्यू टू प्लेग थिएटर है ना यस ड्यू टू प्ले थिएटर हो गए बंद तो अब जब थिएटर बंद हो गए तो देखिए शेक्सपियर समझदार बड़े थे अरे बोले थिएटर बंद है तो क्या हुआ मेरी कलम थोड़ी ना बंद है इज ऑन दोज प्लेग इस ही रोट वीनस एंड एडनिस रेप ऑफ लूक्रिज एंड देन लेटर ऑन लवर्स कंप्लेन फॉनिक्स एंड टर्टल एंड पैसनेट पिलग्रिम्स तो अब आप समझ सकते हो कि उस टाइम पीरियड मतलब प्लेग ईयर को भी इन्होंने यूटिलाइज किया और प्लेग ईयर को यूटिलाइज करके फिर से इन्होंने पोइटिक वर्क प्रोड्यूस कर दिए तो बस आप समझ सकते हैं कि देखिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनसे रिलेटेड है बात की जो इनकी सोनेट्स है काफी सारी इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं, है ना और काफी सारी सोनेट मैंने बताया कि प्लेग इयर का इन्होंने बड़े अच्छे से जैसे होता है ना घंटी का पूर्ण इस्तेमाल समय का पूर्ण प्रयोग थ्री की बात याद कर लीजिए है ना कि ये वो महापुरुष है जिन्होंने घंटी का पूर्ण इस्तेमाल और समय का पूर्ण प्रयोग किया है चतुर राम रिंगम वाली बात विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेग इयर्स थे उन प्लेग इयर्स का बहुत ही अच्छे से मतलब उनको यूटिलाइज किया इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं है ना या इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छे से तो यूटिलाइज किया तो जब इतने अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया तो इनके कौन से वर्क सामने आते हैं गाइज 1598 के टाइम पीरियड में हमें एक चीज नजर आती है विलियम शेक्सपियर की दैट आर हिज पोएम्स 1598 के टाइम पीरियड लेकिन यह बात आप कभी नहीं जानते हैं कि क्या इसके 59 uh, one, 1598 से लेकर के 1609 तक ये पोएम्स करती क्या रही हाँ, 1609 में एक इंसान थे जिनको शायद विलियम शेक्सपियर पर थोड़ा सा दया आ गई होगी क्या नाम था इनका द नेम ऑफ द पर्सन दर्सन गाइज द नेम ऑफ द पर्सन वॉज थॉमस थॉर्प थॉमस थॉर्प है ना टी एच ओ एम ए एस एंड टी एच ओ आर पी वैसे गाइज ये भी थोड़ा एक्टिंग वगैरह कर लेते थे है ना यस yes. सो so, फिर इन्होंने जो है पब्लिश करवाई थी इनकी पोएम्स को एंड या yeah, फिर काउंट करने पर पता चला 154 सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं जिनमें से इन्होंने तीन लोगों के लिए लिख डाला है ये सारी सोनेट्स जिनमें से सबसे ज्यादा सोनेट लिखा है मिस्टर डब्ल्यू एच के लिए है ना <laughs> एक बात कभी नहीं और समझ में आती आप भी थोड़ा समझिएगा देखिए पेट्राक ने तो अपनी बिलविड लॉरा के लिए लिखा दानते ने अपनी बिलविड बेट्रिस के लिए लिखा टॉमस याट ने अपनी बिलविड महारानी जी के लिए लिखा था है ना और अर्ल ऑफ सरे ने भी अपनी बिलविट के लिए लिखा लेकिन और सिडनी एनऑल भी देखते हैं आप आपकी सिर सर फिलिप सिडनी उन्होंने भी अपनी बिलविड के लिए लिखा था सॉन लेकिन ये भाई साहब कितने महान थे इन्होंने कहा हम अपनी बिलविड के लिए तो बाद में लिखेंगे सबसे पहले मिस्टर डब्ल्यू एच के लिए लिख दें ये देख लीजिए ये यही एक मतलब बड़ी डिफरेंट बात है आपने देखा सब लोग इटालियन सोनेट को क्या कर रहे हैं इटालियन सोनेट को कॉपी किए पड़े हैं चाहे टॉमस यार्ट होबसरे हो इवन मिल्टन भी भाई साहब मतलब इटालियन सोनेट बट विलियम शेक्सपियर ने कहा नहीं 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 अपना जो काम होगा वो अलग होगा अब एक बात तो समझ में आती है कि क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा पढ़ाई जरूरी नहीं है जरूरी है कुछ करने की हिम्मत कुछ नया है ना तो इन्होंने डब्ल्यू और डार्क लेडी डार्क लेडी के लिए लिखा और डार्क लेडी के बाद जो बचा खुचा रहा तो फिर उन्होंने लिख दिया क्यूपिड के लिए लेकिन एक बात है बेचारी इनकी वाइफ आठ साल इनसे बड़ी भी थी शादी तब किया जब वो प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी लेकिन एक बंदे ने सोनेट अपनी वाइफ के लिए नहीं लिखा अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार अपनी वाइफ के लिए तो बनता ही है ना वाइफ भी तो देवी स्वरूप ही होती है ना नहीं होती अरे आप लोग तो अनुभवी हैं आप लोग तो बता ही सकते हैं सो यस क्यूपिड के लिए लिख डाला लव गॉड क्यूपिड के लिए लेकिन अपनी वाइफ के लिए एक भी नहीं मतलब पता नहीं ऐसी कौन सी दुश्मनी थी भाई सब दुश्मनी थी तो शादी क्यों किया था मुझे कभी समझ में नहीं आया अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1593 के बाद 1594 में जो थिएटर है वो ओपन हो जाते हैं री ओपनिंग ऑफ थिएटर अरे प्लेग कब तक रहेगा प्लेग तो चला ही जाएगा ना वैसे इंग्लैंड में जो प्लेग था तो प्लेग बार बार घूम घूम करके आता रहता था जब ज्योफरी चासर थे तो चासर के टाइम पीरियड में प्लेग आया वन थर्ड ऑफ यू नो इंग्लैंड खत्म कर दिया सत्यानाश कर दिया वहां का और इसके बाद देखिए ये विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड में भी आया प्लेग बी लाइक मैं कोविड हूं आता जाता रहूंगा पहली लहर हूं और दूसरी लहर हूं है ना यस है ना पहली लहर हूं और दूसरी लहर हूं और आते आता जाता ऐसे कोविड ऑन द सेम वे प्लेग लाइक बेटा भाग नहीं पाओगे है ना यस yes. बेटा भाग नहीं पाओगे मैं जरूर आता रहूंगा अच्छा फिर इस टाइम पीरियड में फिफ्टीन नाइनटी फोर के टाइम पीरियड में जो है हुआ क्या कि फिफ्टीन में जो है फिर से एक बार लॉर्ड चेम्बल्समैन फिर से एक्टिव हो गए काम करना शुरू कर दिया सब कुछ हो गया है ना विलियम शेक्सपियर इस इन दिस टाइम पीरियड ही प्लेड जस्ट माइनर रोल कोई बड़ा रोल नहीं देता था इनको कोई बड़ा एक्टर नहीं मानता रहा होगा ना सो so, छोटा मोटा रोल दे देते थे कभी बोलते थे शेक्सपियर भाई तुम भूत बन जाओ तो कभी बोलते थे कि तुम एक काम करो कि उसके पापा बन जाओ जिसका थोड़ा सा रोल होता था इती सा रोल होता था है ना यस yes. और जब थोड़ा सा रोल होता था तो फिर क्या था बोले ठीक है यार जो भी बना दोगे बन जाऊंगा मैं तो मुझे तो काम करने से मतलब है बस शो so, शेक्सपियर ने काम करना शुरू किया लेटर ऑन गाइज एक चीज हुई इस टाइम पीरियड में विलियम कैंप नाम का एक बहुत ही अच्छा मतलब विलियम कैंप नाम का इस टाइम पीरियड में विलियम कैंप ये याद रख रखिएगा नाम एग्जाम में आता रहता है कई बार के ई पी विलियम कैंप वॉज देयर और विलियम केम्प नाम का एक बफून था बफून बोले तो जोकर बड़ी अच्छी कॉमेडी करता था इसकी कॉमेडीज को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी है ना एंड विलियम शेक्सपियर ही आल्सो स्टार्टेड राइटिंग अब एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि अभी तक जो थिएटर्स थे इज इट दी थिएटर देन आपको देखने को मिला स्वान होप रोज थिएटर ये कई सारे थिएटर थे इस टाइम पीरियड में लेकिन मोस्ट ऑफ द थिएटर्स थोड़ा सा महंगे थे विलियम शेक्सपियर के लिए क्राउड बहुत सारी थी कॉमनर्स को ज्यादा प्लेस नहीं मिलता था तो एक चीज हुई गाइज कॉमनर के प्लेस के लिए बड़ा जरूरी पार्ट हो गया कि इनके खुद के थिएटर का फॉर्मेशन थोड़ा सा विवाद हो गया था एंड एट दैट टाइम पीरियड में गाइज एक फिर नया थिएटर बन गया और ये कौन सा थिएटर था दिस थिएटर वाज नोन एज ग्लोब थिएटर है ना ग्लोब थिएटर एक बना और मैं बता दूं आपको ये जो ग्लोब थिएटर है एग्जाम में पूछा जाता है ग्लोब थिएटर है ना यस और ग्लोब थिएटर जो है वन फाइव नाइन नाइन के टाइम पीरियड में ये बना अब इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर भी ये है कि पता यहां पर जो गरीब टाइप के बेचारे लोग थे वो लोग भी देख सकते थे कॉमनर्स को एंट्री मिली तो कॉमनर्स को एंट्री कहां पर मिलती थी जाओ टिकट लो और ग्राउंडिंग होती थी ग्राउंडिंग मतलब जमीन में ऐसे ही आपको बैठ करके प्ले एंजॉय करना होगा है ना क्योंकि एक थिएटर था ब्लैक फ्रायर थिएटर इसी टाइम पीरियड में एक थिएटर था जिसका नाम था ब्लैक फ्रायर थिएटर पता है वो कैसा थिएटर था वो रूफ्ड थिएटर था और बनाया किसके लिए गया था जिनके पास पैसे हो थोड़ा सा है ना ब्लैक फ्रायर थिएटर तो फिर जब ये ग्लोब थिएटर बन गया तो यहां से विलियम शेक्सपियर ने एक और काम किया पता है कौन सा वाला काम वो भी काफी इंटरेस्टिंग है विलियम शेक्सपियर ने यहां पर मतलब समझ लीजिए कि अपना शेयर भी लिया था ग्लोब थिएटर में यस और इस टाइम पीरियड तक विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस हो चुके थे और विलियम शेक्सपियर ने काफी कुछ रन किया था इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि इस टाइम पीरियड में गाइस कॉपीराइट का कोई मुद्दा नहीं होता था है ना कॉपीराइट से कोई खास मतलब नहीं होता था अब आप बोलेंगे कि सर कॉपीराइट से खास मतलब क्यों नहीं होता था दैट्स व्हाई विलियम शेक्सपियर एंड अदर प्ले राइट्स ऑफ द टाइम पीरियड दे कॉपीड अलॉट लॉट जिसका जिधर मन करता था ना उधर ही सब कॉपी करते रहते थे तो इस टाइम पीरियड में कॉपीराइट का कोई इशू नहीं था और हां जो बेसिकली प्ले लिखे जाते थे वो प्ले सोल्ड कर दिए जाते थे जैसे मान लीजिए मैं थिएटर का डायरेक्टर हूं मैं थिएटर का ऑनर हूं तो स्क्रिप्ट मुझे दे दी गई खत्म तुम पैसे लो गोली हो जाओ यहां से है ना तुम्हारा फिर उस पर कोई अधिकार नहीं है इस तरह से था द टाइम पीरियड यू कैन ऑल्सो सी कि वेमेन्स की एंट्री भी बैन थी तो वुमेन्स की एंट्री भी नहीं होती थी थिएटर्स थी थी में ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी अब आती है बात की लॉर्ड चेम्बर आपने पढ़ा होगा है ना कि लॉर्ड चेम्बर जिनसे नाम से भी जाना जाता था लेटर ऑन इनका नाम किंग्स मैन पड़ गया है ना यस किंग्स मैन अब आप कह देंगे कि सर ये किंग्स मैन कैसे हो गया तो इसके पीछे भी एक कहानी है कोई जानता है क्या अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज यस फटाफट अरे मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं आप सभी की दुआ से आप सभी के की प्रार्थनाओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ फीलिंग फिट फाइन कुछ दिनों के लिए तो लगता था कि शायद ये लिटरेचर लवर्स इधर उधर ना हो जाए बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा रहता था मेरा इतनी छोटी सी एज में, में मेरा बीपी बट मुझे लगता है आपकी दुआओं ने काफी कुछ रंग लाया है बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फीलिंग गुड एंड ऑलवेज कीप ऑन ब्लेसिंग्स चलिए किंग्स मैन क्यों जानने लगे यस 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 जिन्होंने लिखा है जेम्स फर्स्ट या क्योंकि जो जेम्स गोम्स थे स्कॉटलैंड के ना जेम्स जो सिक्स थे स्कॉटलैंड के इंग्लैंड के बन गए ये जेम्स फर्स्ट है ना जेम्स फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट बनने के बाद फिर क्या था फिर गाइज इन्होंने कहा कि अब मैं पैटर्नशिप लेता हूं किसकी -किस yes. इसीलिए मतलब फिर ये नाम पड़ गया किंग्स मैन तो लंडन में भाई सब थिएटर्स काफी अच्छे से चले है ना यस yes. काफी अच्छे से चले काफी बढ़िया से चलते रहे अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में वैसे आप लोग जानते होंगे लेकिन नहीं भी अगर जानते हैं तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं <laughs> यह वाली इंटरेस्टिंग बात इसलिए बताना चाहता हूं कि देखिए विलियम शेक्सपियर कोई आप ये मत मान लीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर कोई भगवान थे है ना विलियम शेक्सपियर एक इंसान ही थे ये कैसे बात प्रूव होती है क्योंकि उनके भी फ्रेंड्स थे बैठ करके वो भी गप्पे भी मारते थे उनके भी थोड़े थोड़े स्... मतलब जिसे बोलते हैं ना साइड के रिलेशनशिप थे किसी के साथ है ना चलिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक आपने टवोन का नाम सुना होगा दी मर्मेड टवोन ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं फिर से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है इसीलिए मर्मेड टवन का नाम सुना होगा आपने है ना यस yes. मर्मेड टवन का नाम आपने सुना ही होगा सुना है ना बहुत ही अच्छी बात इस टवन के बेसिकली लिटरेरी डिक्टेटर कहलाते थे आपके बेन भैया बेन जॉनसन द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ और जॉन कीट्स ने इसी टाइटल की एक पोयम भी लिखी है सेम टाइटल की अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले हु इज द कंपोजर ऑफ द मरमेट टवन देन योर आंसर इज जॉन कीट्स है ना यस yes. अच्छा इसमें कौन कौन से लोग थे ये एक्चुअली में मरमेट जो टवर्न था ये चीप साइड लंदन में सिचुएटेड था तो यहां पर जैसे होता है ना यारी दोस्ती वाले लोग बैठ करके बातें करते हैं आजकल लोग कहा बातें करते हैं आजकल सबके पास अपना व्हाट्सएप आजकल है अपना आज फेसबुक है ना इंस्टाग्राम टेलीग्राम फिर है अपने अपने ऐप अप, लिटरेचर लवर्स ऐप अनअकेडमी ऐप है ना तमाम सारे और दुनिया के ऐप ये लो वो लो कुकू एफ है ना कितनी सारी चीजें तो पहले तो लोग जाकर के बैठ करके, करके तो दोस्तों के साथ थोड़ा इस तरह से गप्पे करते थे अब तो जब गप्पे करना होता है वीडियो कॉल लगाओ भाई अब वो वीडियो कॉल में कोई बनियान पहने बैठा है कोई अपना मुंह घुसेड़े दे रहा है ऐसे पूरा का पूरा उसी वीडियो कॉल में है ना कोई कह करे रहे, रुको यार कोई किसी का बच्चा चिल्ला रहा है अब आजकल तो ऐसे चैटिंग होती है खैर समय है बदल रहा है और बदलता रहेगा ये वो प्लेस था गाइड जहां पर ये लिटरेरी फिगर्स बैठा करते थे कौन कौन से लिटरेरी फिगर थे जैसे बेन जॉनसन का नाम ले लीजिए आप है ना बेन जॉनसन जैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसोसिएटेड विद है ना हाँ तो एक तो थे बेन जॉनसन, दूसरे आपके जॉन डन का नाम आप लोग ले सकते हैं जॉन डन ये भी यहां पर जाकर के बैठते थे फ्रांसिस बैकन भी आपके यहां पर बैठते थे फ्रांसिस बैकन भी शेक्सपियर तो है ही है ना शेक्सपियर भी और भी एक आध लोग थे जिनके प्रोमिनेंट नाम है जैसे आ, क्या नाम था इनका मर्मेट टवन में इतने ही नाम जान लीजिए यही सारे नाम जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेन जॉनसन जॉनडन फ्रांसिस बेकन एंड शेक्सपियर ये इस टाइम के कुछ मेजर जो फिगर्स थे ना ये इस टवन में बैठ करके कभी कभी टाइम पास कर लेते थे है ना यस करेक्ट ना या तो ये कभी कभी जाकर के अपना बैठ जाते थे और अपना काम चला लेते थे बातें चलती रहती थी इसके बाद की बातचीत करें अगर विलियम शेक्सपियर की तो मरमेड टवन के बाद विलियम शेक्सपियर की हिस्ट्री अब किधर जाती है अब जाती है बेसिकली गईज इनकी और आगे की लाइफ की तरफ है ना यस देखिए अब एक बात और भी आती है कि क्या विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क लिखे हैं ये भी बातचीत हमारे सामने आती रहती है खैर उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेंगे कभी ना कभी है ना यस एक्चुअली देखिए हम बहुत कुछ नहीं जानते लेकिन बहुत कुछ थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिमिटेड चीजें हैं बिल्कुल हाँ, ये जो गाइज टाइम पीरियड था ना जो मैंने बताया था एटी फाइव का टाइम पीरियड वो लॉस्ट ईयर कहलाते हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ में लॉस्ट ईयर के नाम से वो जाने जाते हैं चम्बलेंस कंपनी यस लार्ज ओपन ओपन बहुत सारे थिएटर्स ओपन हो गए देखिए विलियम शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग में तीन तरह की राइटिंग शामिल की है कौन सी है ये थ्री टाइप की राइटिंग तो आप थ्री टाइप की राइटिंग देखते हैं जैसे कॉमेडीज ट्रेजेडीज एंड और हिस्ट्रीज भी है। जैसे है, है, और भी हैं हैं जैसे जैसे है 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 ये देखिए तीन जो है, होते है, राइटिंग के ना लेकिन जैसे आप लोग देखते तो वो दोनों का ब्लेंड नजर आता है अब जो 37 प्लेज हैं इनके 37 प्लेज तो उन 37 प्लेज में डिफरेंट प्लेज जैसे ट्रेजेडी में एच के एम का नाम आता है ंगलियर मैगेटीज ट्रेजेडी के पैटर्न में विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले इस पैटर्न को जरूर फॉलो किया है जिसे हम लोग बोलते हैं है ना यस yes. रिवेंज ट्रेजेडी के पैटर्न को विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है देन अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रेजडीज यू ऑल्सो रूट कॉमेडीज जैसे कॉमेडीज में देखें ट्वेल्थ नाइट है द्रो है यस है ऐसे ही जैसे कई सारी इन्होंने कॉमेडीज भी लिख दी जैसे ऑल वेल दैट एंड सो वेल मीजर फॉर मीजर कई सारी इन्होंने कॉमेडीज भी लिखी ऑन द सेम वे इन्होंने हिस्ट्रीज भी लिखी हिस्ट्री पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया <coughs> देखिए इनके दो तीन ऐसे वर्क थे जिनसे इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर के या ये कह दें कि इन, इनको इन्होंने पढ़ करके कुछ लिखा था जैसे अगर आप देखें तो प्लूटॉक का लाइव आता है जो इनके बारे में कहा जाता है ना लेस लैटिन लेस ग्रीक उसी से रिलेट कीजिएगा इसे प्लूटाक का एक गाइज वर्क था प्लूटाक का जिसका क्या नाम था लाइव्स लाइव का प्लूटाक के वर्क का नाम था लाइव्स है ना लाइव्स था तो इसी लाइव्स को पढ़ा था इन्होंने और इससे बहुत कुछ इन्होंने सीखा मीन्स अपनी स्टोरीज के बैकग्राउंड तक यहां से उठा करके ले आते हैं लाइव्स से ओके okay. दूसरा एक वर्क है हॉलिंसेड क्रॉनिकल सो ये है राफेल हॉलिंसेड का सो आर एच ओ एल आई हॉलिंसेड क्रॉनिकल सो जो हॉलिंसेड क्रॉनिकल है तो इससे इन्होंने बेसिकली जैसे आपके क्योंकि ये इंग्लैंड आयरलैंड और कहां की इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड की ये हिस्ट्री है हॉलिंसेड क्रॉनिकल है ना So, इसमें इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड इनकी हिस्ट्री मिलती है इसीलिए आप देखते हैं ना कि विलियम शेक्सपियर ने यहां से और आप एक और वर्क देखते हैं जैसे आप देखते हैं हैमलेट तो इसके लिए एक सोर्स आता है ग्रामेटिक्स इसको इन्होंने पढ़ा था कहते हैं इसमें जो है बेसिकली डेनिस हिस्ट्री के बारे में था तो इसीलिए इनका जो वर्क है जिसे हम लोग बोलते हैं हेमलेट तो वो जो है आपका इस पर बेस्ड है सेक्सोग्रेविटिक्स पर यानी यहां से बैकग्राउंड लेकर के आते हैं एक बात और भी आप जान लीजिए जैसे इनके कुछ आ, फोलियोज की बातचीत अगर कर ले कि किस तरह से इनका कौन सा फोलियो कब आता है कहां पर आता है वो भी जान लीजिए है ना तो ये थोड़ा सा ईयर्स हैं ईयर्स आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं 1609 1616 इंपॉर्टेंट होता है 1623 इंपॉर्टेंट है सिक्सटीन थर्टी टू इंपॉर्टेंट है ठीक है यस थर्टी टू है थर्टी थ्री ये थर्टी थ्री होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा थर्टी टू है या थर्टी थ्री वैसे सिक्सटीन थर्टी थ्री होना चाहिए है ना ये तीन चार ईयर हैं विलियम शेक्सपियर के साथ जो बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं बिकॉज इन दीज ईयर इन्होंने इनके कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे और आपके सामने आ जाते हैं है ना देखिए जो पहला वाला है तो यहां पर सोनेट्स का पब्लिकेशन होता है सोनेट्स का पब्लिकेशन है।, है तो यह है फाल्स फोलियो के लिए। फाल्स फोलियो 1623 की अगर आप बातचीत करेंगे तो 1623 में एक चीज आपको नजर आएगी कि यहां पर इनका फर्स्ट फोलियो आया था फर्स्ट फोलियो है ना यस और यहां पर इनका आया था सेकेंड फोलियो इतना यह जानना बड़ा जरूरी होता है बाकी इसके बाद की तमाम सारी हिस्ट्री है वो नहीं जानोगे तो आपका काम चल जाएगा है ना तो ये चार जो है ये पार्ट आपको जानना बड़ा जरूरी सोनेट्स को किसने पब्लिश करवाया ये भी बहुत जानना जरूरी है हु वॉज द पब्लिशर जिसने इनको पब्लिश करवाया था देखिए सोनेट्स को पब्लिश करवाने वाले कौन थे जिनका नाम था टॉमस थॉर्प टी एच ओ एम एस एंड टी एच ओ आर पी ए, है ना? फाल्स फोलियो किसके साथ एसोसिएटेड है गाइज फॉल्स फोलियो जल्दी से बताइएगा प्लीज फाल्स फोलियो मुझे भूल गया है ना तो इसीलिए मैं सोचा आपसे पूछ लू फॉल्स फोलियो किसके साथ एसोसिएटेड अरे कोई बताएगा मैं वेट कर रहा हूं मुझे भूल गया है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं अप करके जल्दी से बताइएगा प्लीज ताकि मैं भी अपना काम कर सकूं आगे बढ़ सकूं और अगर आपने नहीं बताया तो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा है ना यस अरे टॉमस थॉर्प तो हो गया आगे का बताइए प्लीज मुझे जल्दी से बोलिए फटाफट सो so दैट कि मैं भी समझ सकू है ना कोई बता ही नहीं रहा है टॉमस थॉर्प जॉन हेमिंग यस विलियम जैगर्ड ये जो लिखा है जिसने भी लिखा है विलियम जैगर्ड वाला वही ठीक है है ना यस विलियम वही तो मैं देख रहा था कि बच्चे लिख क्यों नहीं रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को शायद भूल गया एक काम कीजिएगा प्लीज मेरी बात याद रख लीजिए आप लोग मेरा एक वीडियो देखिएगा 200 हंड्रेड एमसी वाला है विलियम शेक्सपियर का वो जरूर पढ़िएगा है ना यस सो विलियम जैगर्ड के साथ एसोसिएटेड है ये फाल्स फोलियो ये जो फर्स्ट फोलियो है वो हेमिंग्स एंड कॉर्डेल के साथ एसोसिएटेड है ये है बेसिकली हेमिंग एंड कॉर्डेल के साथ एसोसिएटेड है ये इसको बोलिए आप लोग ये अच्छा लगेगा जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉर्डिल के साथ एसोसिएटेड है अच्छा एक और क्वेश्चन है ये वाला प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं हम तो जानते हैं फर्स्ट फोलियो था बट आई वॉन्ट टू नो वट वॉज द टाइटल ऑफ फर्स्ट फोलियो प्लीज डू राइट ऑन कमेंट बॉक्स अब करके लिख दीजिए एक बार टाइटल ऑफ कंप्लीट टाइटल ये फर्स्ट फोलियो तो हम समझते हैं है ना लेकिन मुझे जानना है कि इसका टाइटल क्या था प्लीज जल्दी से बता दीजिए टाइटल कंप्लीट टाइटल कुछ तो रहा ही होगा ना टाइटल नहीं रहा होगा बिल्कुल रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता हां विलियम जैगर्ड फाल्स फाल्स फोलियो हो गया चलिए चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी प्लीज हरियप हरियप हरियम सर मैं फर्स्ट टाइम क्लास लगा रही हूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा अच्छा ये वाली बात है द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी वो जो ऑफ विलियम शेक्सपियर क्या बात है देखिए इसका टाइटल मैं बताऊं आपको इसका पूरा जो टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज ठीक है मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स ये था पूरा टाइटल ठीक है मिस्टर यहां से मैं लिखता हूं विलियम शेक्सपियर्स मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स पूरा एग्जैक्टली exactly टाइटल लिखना पड़ेगा गड़बड़ नहीं होना चाहिए था कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज सो ये है कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज यह इसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज और पता है किसको यह डेडिकेटेड था तो ये मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड था डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड की अगर आप बातचीत करोगे मिस्टर डब्ल्यू एच को ये डेडिकेटेड था इसमें किसकी पोएम थी जो प्रीफेस में नजर आती है हमें तो यहां पर प्रीफेस में जो पोएम नजर आती है वो बेन जॉनसन की है ना यस बेन जे ओ एच एन एस ओ एन जॉनसन है ना यस बेन जॉनसन की जो है यहां पर आपको क्या नजर आती है पोयम टू माई ऑथर विलियम शेक्सपियर है ना तो ये चीजें हैं आपकी इसका पूरा टाइटल डेडिकेटेड टू डब्ल्यू एच मिस्टर बेन जॉनसन की जो पोयम थी दैट वॉज इन गाइस सो वो बेसिकली थी कहां पर प्रीफेस में बिगिनिंग में एक डेडिकेटेड डेडिकेटरी पोयम लिखी गई थी है ना और एक और... एक और टाइटल एक और इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें थर्टी सिक्स प्लेज थे जिनमें से एक प्ले नहीं था और इस प्ले का नाम है ई आर आई सी एलईसिकलीज पेरिक्लीज नाम का जो प्ले था उसे इंक्लूड नहीं किया गया था ठीक है यस yes. पेरिक्लीज नाम का जो प्ले था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था है ना यस yes. अब आती है बातचीत की आगे की तो आगे की बातचीत प्लीज आप मुझे बताइए सेकेंड फोलियो सेकेंड फोलियो में कुछ लोग लिख रहे हैं 32 कुछ लोग लिख रहे हैं 33 अब मैं किसको मान लू और किसको ना मानूं एक बात मुझे आप लोग फटाफट बता दीजिए है ना क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा और आपको भी मजा नहीं आएगा आएगा क्या यस yes. हम्म hmm. Pericles was not included. अच्छा, ये वाली बात है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डिसाइड कीजिएगा मुझे कंफ्यूजन है बाकी तो सब कुछ ठीक है अच्छा कोई कह रहा है थर्टी टू सबको कह रहा है थर्टी टू सबको कह रहा है थर्टी टू अच्छा थर्टी टू वाले जीत गए है ना वाह क्या बात है आज आप लोगों ने मेरी रक्षा की है ये एहसान आपका मुझ पर उधार रहा <laughs> ठीक है 1632 या 1633 तो ये एहसान आपका मुझ पर उधार रहा वो गाना है ना एहसान एहसान है ना एहसान तेरा होगा मुझ पर वो वो यही मान लीजिए कि आज आपका ये है मुझ पर है ना यस थैंक यू सो मच सो ये कहीं सेकेंड फोलियो की बातचीत आती है सेकेंड फोलियो में आपके पूरे थर्टी फाइव प्लेज नजर आते हैं थर्टी फाइव कहां से हो गया मेरा भी दिमाग खुशी के बारे में पागल ना हो जाऊं कहीं है ना सो थर्टी सेवन प्लेज आपको नजर आते हैं इस पर्टिकुलर उसमें है ना और लास्ट की बात आती है कि अब विलियम शेक्सपियर ले लेते हैं विदाई बोले कि भाई अब तो हम चलते हैं अच्छा तो हम चलते हैं लाइक like दैट तो विलियम शेक्सपियर की जो डेथ होती है वो कब होती है ये तो आप लोगों से बिल्कुल छिपी नहीं है है ना विलियम शेक्सपियर की जो डेथ होने वाली है वो होती है जाकर के काफी आगे खैर डेथ के बारे में पता लगाना बड़ा जरूरी है वाह क्या बात है तो विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई कब हुई थी विलियम शेक्सपियर देन लेटर ऑन डाइड बाकी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन के लिए तो यस तो विलियम शेक्सपियर की गाइस फाइनली डेथ होने वाली है और कब है वो वाओ 1616 इज द ईयर जब विलियम शेक्सपियर ने विदाई ले ली है ना यस विलियम शेक्सपियर ने 1616 16 में विदाई ली और ये वाली लाइंस इनकी ग्रेप पर इंक्रिप्टेड है गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर एंड टू डिक द डस्ट इनक्लोज्ड हियर blessed be the man that is spares these stones and cursed be he that moves my bones क्या बात है तो ये वाली लाइन लास्ट में आपको नजर आती है 23rd ऑफ अप्रैल 1616 विलियम शेक्सपियर ने विदाई ले ली इस दुनिया से है ना अब दोबारा नहीं लौट करके आएंगे बहुत कुछ लिखा है बहुत सारे बच्चे तो इतने दुखी हैं बेचारे कहते हैं यार जब से इन्होंने जन्म लिया होगा और जब से जब तक इन्होंने लिखा है जिंदगी में बिल्कुल जहर घोल करके गए हैं है, है ना खैर देखिए ज्ञान मिलता है जब भी आप पढ़ते जाते हो तो ज्ञान कंटिन्यूसली मिलता जाता है हाँ एक चीज और है जो हमें आ, विलियम शेक्सपियर में देखने को मिलती है विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडीज काफी अच्छे से लिखी है ट्रेजिक कॉमेडीज भी लिखी है तो कॉमेडीज में जो इन्फ्लुएंस मिलता है वो दो लोगों का हमें इन्फ्लुएंस मिलता है है ना यस कौन से दो लोग थे वो एक थे प्लॉटस और एक थे टेरेंस है ना इन दो लोगों का इंफ्लुएंस हमें विलियम शेक्सपियर की राइटिंग में भी मिलता है अदर में भी देखने को मिलता है सो so, एक का क्या नाम है पी एल एस प्लॉटस और एक का नाम है ई आर ई एन सी टेरेंस टेरेंस ही नाम है गलत तो नहीं लिख दिया आर ई पी एल ए यू टी एस यस प्लॉटस एंड टेरेंस इन दोनों का इंफ्लुएंस हमें देखने को मिलता है या इन दो लोगों का इंफ्लुएंस आप ग्रेटली देख सकते हैं क्यों नॉट ओनली इन विलियम शेक्सपियर राइटिंग जितने भी उस टाइम पीरियड के एलिजाबेथन राइटर्स थे इनसे बहुत ही ग्रेटली इंफ्लुएंस थे और इन्हीं पर बेस्ड ये वर्क लिख रहे थे अच्छा ये जो ये कहां से थे तो जो प्लॉटस थे बेसिकली गाइस वो थर्ड सेंचुरी बीसी रोम है ना क्योंकि इंग्लैंड में या इंग्लिश जो हिस्ट्री है बेसिकली वो रोम को फॉलो करती है सो दीज वर द रोमन राइटर्स और रोमन राइटर्स में एक थे प्लॉटस और एक थे टेरिस चलना है बस थोड़ा सा ठीक है यस सो प्लॉटस एंड टेरेंस का आपको बहुत ही बड़ा ग्रेट इंफ्लुएंस हमें और आपको देखने को मिलता है तो ये तो था देखिए विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा ग्रीन का आटा है ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट शेक्सपियर के वो आग, 154 फिफ्टी सोनेट बहुत कुछ होता है शेक्सपियर में पढ़ने के लिए और ये एक घंटे में जो मैं आपको पढ़ा सका मैंने पढ़ाया है ना अब मुझको भी कहीं जाना है जाऊं कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर लाऊं वरना मैं भूखा रात भर सोऊंगा है ना खाना भी बनाना होगा मुझे तो आप लोग तो आएंगे नहीं कि कोई बनाएगा है ना या फिर बुला ले कोई आइए सर हो जाए भोजन तो देखिए गाइस आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए दोज हु आर दोज हु तो वांट टू तो वॉच इंटरेस्टिंग वीडियोज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर सब्सक्राइब पर फिर ऑल पर क्लिक कीजिएगा जिसने चेक ना किया हो तो भाई सब चेक कर लीजिए है ना सो so दैट आप अपडेट ना मिस करो है ना यस yes. समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को हां तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर बहुत ही अच्छी बात है तो फिर अच्छी ही बात रहेगी है ना यस yes. तो बेहतर ही बहुत ही अच्छी बात रहेगी इस चीज को लेकर के इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि अगर आप मुझे यूजी सीनेट की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यूजी सीनेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं है, है ना कहां पर अनअकेडमी दी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली अगर आप मुझे अन अकेडमी दी लर्निंग ऐप पर फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको मेरी कंटिन्यूस क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको लाइव इंटर क्लासेस पेपर वन और पेपर टू बोथ के लिए मिलेंगी और बाकी तो गाइज़ आप जानते हैं यहां पर आपको यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के कोर्सेस मिल जाते हैं टेक केयर है ना यस थैंक यू सो मच बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए फिर से मिलेंगे अब चलते हैं आराम से थोड़ा सा कुछ करें और कुछ समझें कुछ देखते रहे है ना चलिए गुड नाइट टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा चले फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी इसी टाइमिंग पर होगी नेक्स्ट क्लास अपनी है ना यस नेक्स्ट क्लास 8 पीएम कल अ रियासत खाना बना हुआ मंगवा लो हाँ मंगवाते हैं अभी देख लेते हैं जरूर